कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में टाउन हॉल स्थित गांधी प्रतिमा के समक्ष राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के महापरिनिर्वाण दिवस पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया कि हम सबके प्रिय नेता राहुल गांधी ने कश्मीर में ध्वजारोहण किया व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के महापरिनिर्वाण दिवस पर 10:58 पर गांधी प्रतिमा के समक्ष 2 मिनट का मौन रखा गया। उन्होंने बताया कि आज के दिन सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली से छलनी कर हत्या कर दिया था। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश में सत्य और अहिंसा का अलख जगाया था। ऐसे महापुरुष को श्रद्धांजलि देते हैं। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, प्रशासन प्रभारी तौकीर आलम, महेंद्र मिश्रा, महिला प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेमलता चतुर्वेदी, धर्मराज चौहान, अभिजीत पाठक, निर्मला गुप्ता, संजय सिंह, अविनाश तिवारी, बद्री विशाल शुक्ला, सुखराम यादव सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, आज महात्मा गांधी जी का परिनिर्माण दिवस है, जिसके नीचे 2 मिनट का मौन है। आज पूरे देश में आदरणीय राहुल गांधी जी द्वारा जो पदयात्रा किया गया है, उसका आज श्रीनगर में पीसीसी कार्यालय पर ध्वजारोहण करके समापन किया जाएगा। और आज भारत जोड़ो अभियान की जो है समापन डे में सभी जगह, सभी देशों में, सभी जिले में इस संदेश को हम लोग दे रहे हैं। और महात्मा गांधी जी का मूर्ति के नीचे हम सभी लोग मौन धारण करके उनको श्रद्धांजलि देते हुए पूरे देश को यह संदेश दिया जा रहा है। परिनिर्वाण दिवस पर क्या संदेश देना चाहिए? परिनिर्वाण दिवस पे महात्मा गांधी जी का आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मारा था, जिसके जो देश का संदेश है कि ऐसे RSS के लोग जो महात्मा गांधी के नाम को बदनाम कर रहे हैं, और महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं जिनके लिए हम देश में बलिदान और शांति, सत्य और अहिंसा का संदेश पूरे देश को देना चाहते हैं, उन्हीं के उस परिनिर्माण दिवस में हम 2 मिनट का मौन रखे हैं आज जिला कांग्रेस और महानगर कांग्रेस कमेटी के बीच।